हेलो बच्चों, कैसे आप? आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्विटोरियल पोजीशन में देखेंगे। हम इक्विटोरियल पोजीशन का मतलब डाइपोल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी डाइपोल से वो 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। ठीक, तो चलिए, हमने एक डाइपोल लिया, ये हमारे पास एक डाइपोल है, एक हमारे पास ये क्या है, डाइपोल है, इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू है। इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 2L है। इसका सेंटर O है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी L हो जाएगी, राइट? ठीक। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से इक्विटोरियल मतलब इसके क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या तो नीचे ले लीजिए या तो ऊपर ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने P ले लिया। क्या लिया? P लिया, जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो बस वही लैंग्वेज फिर से लिखना है, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी एट परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल एट विच वी हैव टू फाइंड आउट ई एफ आई, एम राइट? हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहां से मैंने देखा इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने पी ले लिया। ठीक, तो अब क्या करते हैं, यहां पर मुझे रिजल्टेंट फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं जब पॉजिटिव, अब आपको मैंने बताया था, कूलम्स ने यह बताया था कि जब भी फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है बताइए, वो अलॉन्ग द लाइन होता है। तो यहां से हम इस पॉइंट से क्या करेंगे, मिलाएंगे हम। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो किधर जाएगा बताइए, बाहर की ओर जाएगा, ये हमारा इवन हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है ये। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से ये क्या करेगा, ये इनवर्ड आएगा, क्यों, ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा, यहां से E2 हमको मिला। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाना चाहिए वो हम देखेंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है किधर जाना चाहिए वो हम दिखाएंगे। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं, तो हम ऐसे दिखा नहीं पाएंगे, हम इसका कंपोनेंट करके दिखाते हैं। तो बताइए अगर ये थीटा है, यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, ये भी कितना होगा बताइए, थीटा होगा, होगा ऑफ कोर्स होगा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा, कितना होगा, इवन कॉस थीटा, और ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, अगर ये मैं ऐसा कहूं, अगर ये थीटा है, ये बताइए ये कितना होगा, ये भी तो थीटा होगा, देखिए ये अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, अल्टरनेट एंगल। तो इसके भाई इसका एक कंपोनेंट हो गया इवन कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट होगा क्या, इवन साइन थीटा, और इसका बताइए इसके साथ जो एंगल लगा होता है E2 कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा। अगर ये यल है और ये आर है तो क्या हो जाएगा, यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस होगा, इधर का भी होगा यल स्क्वायर आर स्क्वायर, ये मैं नेमिंग कर देता हूँ ए बी। अच्छा देखिए, इफ क्या हो जाएगा, ए पी विल बी इक्वल टू बी पी, अगर ए पी बी पी इक्वल हो और चार्ज भी सेम हो मैग्नीट्यूड में, तो बताइए ये जो फील्ड होंगे सेम होंगे, देन E1 विल बी इक्वल टू E2, E1 E2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बच्चों, क्यों, डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, बस नेचर बदला हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर जो फील्ड होगा E1 E2 क्या होगा, सेम होगा।
तब देखिए ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, सो इट कैंसल टू ईच अदर, एक उधर है एक इधर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल्ड आउट हो जाएंगे। तब देखिए द नेट फील्ड, नेट फील्ड एट पी इस कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए, कितना हो जाएगा ई वन प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी कितना है इधर ई वन कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा ई टू कॉस थीटा ना। अब बार बार नेट नहीं लिख रहा हूं मैं, ये परपेंडिकुलर लिख देता हूं, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अब बताइए अगर मैं इवन, अब इधर से देखता हूं इवन विल बी इक्वल टू ई टू बताएं कि कितना हो जाएगा, इसके कारण सेम होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, बताइए क्या हो जाएगा क्यू बाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ई वन ई टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा ठीक। इतनी बात हो गई, हो गया ना। चलिए यहां पे मैं पुट करता हूं, या दोनों इक्वल है तो टू टाइम्स कर देता हूं, टू टाइम्स क्या ई वन कॉस थीटा हो जाएगा, तो ई टी विल बी इक्वल टू टाइम्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इन टू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू का पी बी पी बाई एच एच बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस यल है हाइपोटेनियस कितना है रूट में यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कुछ भी, यल बाई कितना हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट कर लेता हूं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू टू यल, क्यू इंटू टू यल बाई एक पावर इसका हाफ इसका आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का थ्री बाई टू। मैंने ये भी बताया था P कितना होता है क्यू इंटू टू यल होता है, और मैंने बताया था इफ अगर क्या है यल वेरी वेरी लेस देन आर होगा तो यल स्क्वायर क्या हो जाएगा और भी निगलेक्ट हो जाएगा, तो इसे क्या कर सकते हैं हम कैंसल कर देते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ये P बाई कितना हो जाएगा बताइए, ये कैंसल हो जाएगा तो ये टू से टू कट जाएगा कितना बचेगा आर क्यूब बचेगा ठीक। तो अब इधर देखता हूं ई टी विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई कितना आया बच्चों आर क्यूब आ गया इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखूं ई टी विल बी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, और जो r होगा मैं r कैप लिख सकता हूं, अलॉन्ग क्या हो जाएगा पता है r कैप मैं लिख दूं, r कैप लिखूंगा नहीं मतलब ये क्या है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, किसके डायरेक्शन में इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं ये लिख दिया p हो जाएगा, और इसकी जो डायरेक्शन दिख रही है वो आपको दिख रहा है किधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए रिजल्टेंट इधर जा रहा, यानी अलोंग अलोंग क्या हो जाएगा बीए हो जाएगा, अलोंग बीए हो जाएगा, बीए मतलब इधर देख रहे हैं ना इधर इधर की ओर डायरेक्शन, यानी हमारे फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर है देख लीजिए आप, यानी ई परपेंडिकुलर वन अपॉन फोर पर्सेंट टी बाई आर की कोई डायरेक्शन पूछे तो अलोंग बीए देख रहे ना बीए, बार बार देख लीजिए इधर है रिजल्टेंट, यानी ये कह सकते हैं along positive to negative, positive to negative कह सकते हैं, यानी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा, डायरेक्शन आप बोले नहीं इधर की ओर है राइट, डायरेक्शन हमारा इधर की ओर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये भी टॉपिक बहुत अच्छे से समझा होगा, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इन वीडियो के पीछे बहुत मेहनत करता हूँ, तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बाय।